बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग के यहाँ सब ठीक ठाक होंगे, सब कैसे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं कलेजी चिकन की। देखिए, मैंने मुर्गी कलेजी ली थी, इसको मैंने अच्छे से धो के वॉश करके रख दिए। और मैंने दो प्याज लिए थे, इसको मैंने कटिंग कर लिए बारीक बारीक, जैसे मंडे की प्याज कटिंग करते वैसे कटिंग किए। और ये मैंने हरी मिर्ची ली थी, दस मैंने हरी मिर्ची ले लिए, दो मैंने लेमन ले लिए। और ये लहसुन है, दो जो मैंने लहसुन गए थे उसको अच्छा से मैंने कूट लिया है। मैंने एक पौधे ही लिए, अभी हम बनाने के चलते हैं, आपको साथ साथ हम बताते जाते हैं। देखिए, मैंने ऑयल चढ़ाया था, ऑयल गर्म हो गया। मैं सबसे पहले इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैंने प्याज ऐड कर दिया इसमें। प्याज को अच्छा सा ब्राउन कर लेते हैं। देखिए, इसको मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा सा हम ब्राउन करके इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कलेजी। तब तक मैं ये हरी मिर्ची भी कटिंग कर लेती हूँ और लेमन का जूस निकाल के वर्ड करेंगे इसमें। देखिए, हमारे प्याज हो गए, मैं इतने कलर चाहिए था प्याज का। अगर हम ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। अब मैं इसके ऐड करी कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हम कलेजी ऐड कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छा से हम भून लेते हैं। और मैं इसके अंदर ऐड करी लहसुन, मैंने आपको दिखाया था, वो भी ऐड कर देंगे साथ में। लहसुन भी ऐड कर देंगे इसी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छा से हम भून लेते हैं। कितना भुना है हमारी कलेजी इसमें लहसुन तक में, बहुत अच्छा से भून जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने कलेजी को इतना भुना है लहसुन में, बहुत अच्छा सा कलेजी हमारी भुन जाए। ये देखिए, इसको अच्छा सा मैंने भून ली। और मैं इसमें ऐड करी हरी मिर्ची, मैंने कटिंग की थी, आधी अभी ऐड कर देंगे, बाकी हम थोड़ी बाद में ऐड करेंगे। और मैं इसके अंदर ऐड करी हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छा सा हम भूनते हैं, हल्दी ऐड करते हैं इसमें। देखिए, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हल्दी। देखिए, मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ। देखिए, आधा टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे हम इसमें। नमक हम अभी नहीं ऐड करेंगे, नमक अगर हम अभी ऐड कर देंगे तो कलेजी जो है सख्त हो जाएगी बहुत। नमक हम सबसे एंड में ऐड करेंगे। देखिए, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए। और मैं इसके अंदर अभी ऐड कर रही हूँ मसाले, भी साथ में ऐड कर देंगे। देखिए, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। वन टी स्पून धनिया पाउडर। देखिए, धनिया पाउडर ऐड कर दिया। जीरा ऐड करेंगे दो टी स्पून, सवा जीरा। और मैं इसके लिए ऐड कर रही हूँ गरम मसाला आधा टी स्पून। देखिए, आधा टी स्पून गर्म मसाला ऐड करें, पिसा हुआ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लाल मिर्ची। देखिए, इसको अच्छा सा भून के अभी मैं इसमें ऐड करती हूँ लाल मिर्ची। देखिए, इसको लाल मिर्ची किसी भी ऐड करेंगे, वन टी दो टीस्पून मैंने ऐड कर दिए लाल मिर्ची पिसी हुआ। आधा टीस्पून ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्ची, उससे क्या होता है कलेजी बहुत अच्छी बनती है। कुटी हुई मिर्ची ऐड करें तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। तो देखिए, आधा टीस्पून मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, इसको अच्छा सा भूनेंगे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह कलेजी हमारी बहुत अच्छे से इसमें भून जाएगी। और मैंने जो दही ली थी वो बाद में भी दही ऐड करती हूँ। थोड़ा नमक अभी नहीं ऐड करूँगी, जैसे हमारी कलेजी बन के रेडी होने तैयार हो जाएगी उसके बाद मैं नमक ऐड करूँगी। देखिए, इसको अच्छा सा हम भून के उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कलेजी तो माशाल्लाह बहुत जल्दी बन जाती है, झटपट बन जाती है और बनती भी बहुत अच्छी है। आज मेरे बेटे ने फरमाइश की है मुझे कलेजी खानी, मैं उसकी फरमाइश पे कलेजी बना रही हूँ।
देखें। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं सभी दही इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से हम भून लेंगे, दही का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए सभी। ये देखिए कलेजी भी बहुत अच्छे से इसमें पक जाएगी दही के पानी में ही। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने जो लेमन दिखाया था उसका हम जूस ऐड करते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी ऐड करके मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखिए मैंने सभी इसके अंदर लेमन का जूस ऐड कर दिया। इसको अच्छा सा अब हम भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे इसका पानी खुश्क होगा उसके बाद हम इसके नमक ऐड करेंगे। तो जो मैंने हरी मिर्ची रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। धनिया भी ऐड करेंगे इसमें। देखिए मैं नमक ऐड करी। कलेजी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे से पक गई है। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितने अच्छे से कलेजी पक गई। देखिए और मैं इसमें ऐड करी नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें आप लोग। ये देखिए नमक ऐड कर दिए। अच्छा सा मिक्स करते हैं और मैं इसके अंदर अभी ऐड करूँगी कसूरी मेथी। देखिए थोड़ी सी मैं इसके अंदर अभी कसूरी मेथी ऐड करके और इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। ये देखिए देखिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी और इसको मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। ये देखिए आधा टीस्पून मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। मेरे पास पाउडर था तो मैं ऐड करिए। देखिए अब इसको अभी हम कवर कर देंगे। 5 मिनट के मैं इसको कवर कर देती हूँ। उसके बाद फिर आपको हरी मिर्ची ऐड करेंगे और धनिया। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए इसको 5 मिनट हो गए मैंने कवर कर दिया था। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अभी अदरक। मैंने काट ली थी थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्ची। देखिए ये ऐड कर देंगे और अभी आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह। बन के हमारी कलेजी रेडी हो गई। ओके अभी आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। कलेजी बन के रेडी हो गई माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी पसंद। आप भी बनाएं ऐसे और हमें कमेंट करके बताएं आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें।